जाएंगे खाने चले खाने। अच्छा हाँ हम लोग का क्या हुआ था ना कि फिर शॉपिंग वगैरह करके कैसे लग रहा है आपको? सो सभी आई होप कि सभी ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है कि मम्मी आई हुई है घर, तो हम सोच रहे कि हम और मम्मी थोड़ा सा आज फ्री थे क्योंकि कल माँ पर्व था तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो अभी हम लोग मॉर्निंग से तो थोड़ा आराम वगैरह किए, उसके बाद अभी शाम का टाइम है मतलब 3 बज रहा है, तो अभी जाते हैं अपर बाज़ार साइड क्योंकि बहुत सारा कुछ ले लेते हैं सामान वगैरह। मम्मी आई हुई है तो हमेशा आती है तो कुछ ना कुछ हम लोग लेने जाते हैं, कुछ ना कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो बहुत दिन के बाद जाते हैं शॉपिंग वगैरह करते हैं, मम्मी उधर बाहर में खड़ी हुई है रेडी होके, तो हम सोचे व्लॉग स्टार्ट करते हैं और अभी जल्दी से स्कूटी पर निकालते हैं। और हमको ना थोड़ा बहुत रील्स भी बनाना है, तो हम सोच रहे थे कि पहले रील्स बना लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा वो सब भी बहुत दिन से पेंडिंग हुआ है, वो सब भी कंप्लीट करेंगे उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे। अभी हम लोग आ चुके हैं सिद्धू कानू क्योंकि यहीं पर हम लोग सोचे कि जल्दी से रील्स वगैरह बना लेते हैं, और ऑक्सीजन पार्क में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, तो इस वजह से हम मम्मी और जेंट्स आ गए हैं, जेंट्स शूट कर देगा फिर उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे अपर बाज़ार की साइड, जल्दी से बना लेते हैं। अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं सिद्धू कानू पार्क के अंदर, आप देख सकते हैं। और हम लोग एज यूजुअल जहाँ पे जो लोकेशन है यहाँ पे खाली भी रहता है, तुरंत बना भी लेंगे, तो सोचे कि यहीं पे आ जाते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। हम लोग सोचे तो थे कि जल्दी निकलेंगे, बट कल का इतना थकान था ना, इतना नाचे कि क्योंकि क्या बताएं, इतना नाचे इतना थकान हो गया, तो सोचे कि थोड़ा आराम से ही निकलेंगे। तो हम लोगों का रेडी होते होते 3 बज गए आज। सो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे रील्स वगैरह बना रहे थे, देख सकते हैं यही लोकेशन पे बनाते हैं लगभग हमेशा, यहाँ पे थोड़ा खाली भी रहता है और यहाँ पे छाव भी है तो अच्छा वीडियोस आ जाता है। आज मम्मी को लेके आए हैं और सब कुछ दिखा रहे हैं कि हम लोग दिन भर में क्या क्या करते हैं, आज मम्मी भी सोच रही होगी हमको बस आज देखने के लिए बैठाई है। तो अभी हम दोनों जल्दी रील्स बना लिए हैं, अभी एडिट करके तुरंत डालना भी है, डालने के बाद फिर हम लोग कहाँ जाएँगे खाने। अच्छा हाँ हम लोग का क्या हुआ था ना कि जल्दी निकलने वाले थे तो हम लोग लंच नहीं बनाए हैं, तो फिर को भी कुछ खाए पिए नहीं है, तो भी जल्दी से काम कंप्लीट करने के बाद पहले खिला लेते हैं, मम्मी को कुछ खिलाएंगे खाएंगे पिएंगे फिर कहाँ जाएंगे, कपड़ा जब भी रांची आओ कपड़ा खरीदेगी तुम, कपड़ा खरीदेगी तभी हम दोनों शॉपिंग करने भी निकलेंगे, लेट्स सी क्या क्या लेते हैं। फिलहाल जल्दी से एडिट मार लेते हैं। सो गाइज अभी हम लोग निकल रहे हैं सिद्धू कानू पार्क से, जो भी काम है सारा रील्स वगैरह बना लिए और अभी हम लोग जाएंगे, थोड़ा बहुत खाते हैं कुछ हल्के में ही खाएंगे क्योंकि फिर लंच डिनर भी करेंगे, तो इसी वजह से हल्के में खाते हैं। तो यहीं कॉलेज के पास जाते हैं साहू के पास खाने के लिए। सो गाइज फाइनली हम लोग अपर बाज़ार से बहुत सारा शॉपिंग वगैरह कर लिए हैं, साड़ी और कुछ बैग वगैरह लिए हैं और सोच कुछ चप्पल वगैरह भी लेना है, वो सब लेने के बाद फिर हम लोग जाएंगे रिलायंस फ्रेश और देखते हैं वहाँ से क्या क्या सामान कर रहे हैं। फिलहाल रात हो गया, इतने सामान गाइस अभी हम लोग का सारा शॉपिंग सब हो चुका है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था रांची में राजभवन के पास है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, हमको बहुत ज़्यादा घूम के जाना पड़ा और अभी थोड़ा शाम भी हो चुका है, सोचे कि फिर भी रिलायंस जाके आते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत सामान बचा हुआ है जो कि लेना है, तो अभी हम लोग रिलायंस जाएँगे वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गई। अभी हम लोग आ चुके हैं रिलायंस फ्रेश, इतना सारा शॉपिंग वगैरह करके कैसे लग रहा है आपको? पूरा थक गए हैं कितना जाम, हम तो परेशान हैं। अच्छा चलो परेशानी दूर करने के लिए रिलायंस फ्रेश आ जाते हैं, यहाँ से जो भी सामान है सब ले लेंगे, रिलायंस फ्रेश आते हैं फ्रेश होने के लिए। ट्रैफिक गई इतना परेशान हो गया ना हम, 1 घंटा से ज्यादा सर ट्रैफिक में फंसे थे, अभी देखते हैं।
हम लोगों को सारा सामान वगैरह हम लोग ले चुके हैं और अभी जाएंगे घर की और, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका है और क्या क्या सामान लिया हम लोग आपको घर पर दिखाते हैं। हम लोग का सारा शॉपिंग वगैरह हो चुका है और अभी रात का बज रहा है 2, तो सारा कंप्लीट हो गया। हम लोग निकले थे घर से 3 बजे, फिर मेरा शूट वगैरह करते करते भी थोड़ा टाइम हो गया था, तो फिर 4 बजे आसपास हम लोग शॉपिंग कर रहे थे। तो ज़्यादा कुछ नहीं लिया बट थोड़ा बहुत कहीं कहीं गए थे और अभी रूम की तरफ जाते हैं और अभी ठंडा ठंडा हवा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए रूम जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करते, थोड़ा बहुत सामान लिए हैं और कुछ घर का सामान ले लिए हैं, तो वो सब लेने की वजह से लेट हो गया। फाइनली अभी हम लोग रूम आ चुके हैं और एक मम्मी के लिए हम लोग लिए हैं साड़ी, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। मम्मी के लिए है, लगता है हम ही पहले पहनने वाले हैं। वैसे ही होता है कि एक बार पहन के फोटोज तो खिंचाना बनता है, तो ये वाला लिए। उसके बाद फिर रिलायंस गया था तो सारा सामान वगैरह भी खरीदे। और आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ लिया है, ऐसे बैग वगैरह भी लिए। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अब तो कल मम्मी चली जाएगी, तो ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, गुड नाइट।